सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हिंदी में जो पाठ बाकी था वो आगे इसका विषय है मेरी दिमागी श्यामा ने ली। तो इसमें आप बात कर रहे थे डॉक्टर मुखर्जी श्री हरिवंश राय बच्चन। वो एक दिन मुखर्जी के पास गए और उसने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसको तपेदिक यानी के टीबी यानी के क्षय हुआ। वह सुनकर उसकी पत्नी श्यामा बहुत चौंक गई और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए और चिंता छोड़िए, हम आपको दवाइयां लाने के लिए सब उपाय करेंगे। तो आगे इस प्रकार की कहानी। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। हरिवंश राय बच्चन यहाँ बात कर रहे थे अपनी। तो एक दिन रात में उसको एक उपाय सोचा और एक दिन वह बात कर रहे थे कि एक दिन मुझे और रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। हरिवंश राय बच्चन ऐसा सोच रहे थे कि मैं बीमार तो जरूर हूं मगर अगर मर भी जाऊं तो मैं कोई चिंता श्यामा पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर कहा यहां हरिवंश राय बच्चन अपने बीमारी की बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो मैं दिखे दो हरिवंश राय बच्चन बोले कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने डॉक्टर मुखर्जी से इस प्रकार का तो उसने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, अगर पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ऐसा डॉक्टर मुखर्जी ने कहा। मुझे जीवन में चुनौती से बल मिलता है, लेकिन मुझे भी बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। यहाँ हरिवंश राय बच्चन ऐसा कह रहे थे कि अगर डॉक्टर मुखर्जी आशीर्वाद देते तो भी जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। जाओ मरो जो शब्द सुनकर हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़ा आदर लगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने रुई पुणे के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन नेत्रोपैथी यानी कि प्राकृतिक उपचार की बात कर रहे हैं। वो पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद की बात कर रहे हैं कि रुई पुणे के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया है। इसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर तो ठंडा पानी टब में रखकर उसमें बैठकर शीर्ष बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध घी मक्खन अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। उन्हें के इलाज में चिकना मना था जो एलोपैथी में एलोपैथी उपचार यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति
आदि चिकनी वस्त्र देने के देने से मना है। अगर पुणे के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भोगे चने, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था और नेचुरोपैथी उपचार में क्या है तो के कच्ची सब्जियां और कच्ची भीगे चने, कच्ची गेहूं आदि पर रहना था आदि खाने के लिए शुद्ध दिवस में न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन नेचुरोपैथी इलाज की बात कर रहे थे, यह इलाज उसके लिए अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था, उसमें न कोई खुराक या न कोई खर्च। नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक उपचार पद्धति है वो महंगी नहीं है, ऐसा उसने सोचा। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फल डाला और अपने के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया, यानी पड़ोसी जो बाबू मुक्ता प्रसाद की जो पद्धति थी वो उसने अपनाई, तद अनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, स्कूल भी जाते थे मगर रात को जब ट्यूशन कराते थे तो ट्यूशन छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता, उसको जो वेतन था वो किताबों की बिक्री यानी कि किताबों बेचने के बाद अथवा बेचने से उसमें से उसको पैसे मिल जाते। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। स्वस्ति पंथा यानी कि सारा रास्ता, गुड वे, स्वस्ति पंथा का और मेरे पीछे चली। मेरी स्थान चिकित्सा न के संबंध में जीवा पत्नी अपनी सेवा से देती रही, मतलब यहाँ श्यामा है उसकी पत्नी, उसने भी हरिवंश राय बच्चन को दिन प्रतिदिन सहयोग दिया और उसकी सेवा भी की। सवेरे अधिक अपनी इच्छा मत से उसने मुझे अपने रास्ते पर न डरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेखक अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया हुआ यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगी को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। मतलब यहाँ उसकी पत्नी श्यामा ने उसे सेवा की और साथ में उसे सहयोग भी दिया। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। मतलब यहाँ लगभग नेचुरोपैथी उपचार किया, न पूरा उसमें ज्यादा लेने पड़ी, न खर्च, एकदम सस्ता, यह इलाज उसको अनुकूल रहा। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, अतिशयोक्ति समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय दोष से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चार पाए पर गिरी और फिर ना उठी। या श्यामा उसकी सेवा करके करके करते करते 15 अप्रैल 1936 को चार पाए पर गिरी यानी कि खाट पर सो गई और कभी न उठी यानी कि देहावसान हो गया। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1937 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और उसके विवाह जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों की मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी उतनी आंतरिक कम
मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। या हम पठित शब्द देखे तो साधना में प्रकार आत्मविद्या अपने पर मन को काबू करना, मौज जाने के बदले में मिलना, सेवा साकार करना, सेवा की वृद्धि बनना, कारण को करने में के ताल देना, इसी जो है कपड़े साइड के द्वारा है उसकी भी या उसका भी अपने संचय करना, एकत्र करना, अरे उसे जाने के बहुत तेज। या ऐसा आता है कि उसमें इस पाठ से भाव समझाइए तो उसमें एक पंक्ति आती है और उसमें एक प्रश्न भी आने की संभावना है। नेक्स्ट आगे, थैंक यू।